ऑल राइट, गुड इवनिंग एवरीवन. स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर. मेरा नाम है उदिशा और आइए शुरू करते हैं आपकी आज की क्लास. आपकी आज की क्लास यानी कि ESIC मॉक डिस्कशंस. अब सौरभ सर और शांतनु सर भाई वही 7, 8, 9 का स्लॉट होता था जिसमें 8 बजे रीजनिंग, 9 बजे मैथ्स की क्लास जो है होती जा रही है. बट बीच में इंग्लिश की क्लास जो है थोड़ा सा लेट अस से आई वाजंट कंडक्टिंग क्लासेस. एंड व्हाई वाजंट आई कंडक्टिंग क्लासेस, अ लॉट ऑफ यू ऑलरेडी नो. दोज हु डू नॉट नो, आई'd लाइक टू इन्फॉर्म दैट गलती से या जैसे भी कोविड हो गया था हमें, तो फिर उस चक्कर में थोड़ा सा लॉस हुआ. ठीक है, हाउएवर अब जो भी टाइम हमारे पास है उसको हम इन बेस्ट मैनर पॉसिबल यूटिलाइज करेंगे एंड कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को आपके लिए बेनिफिशियल बना पाएं. बहुत ज़्यादा एनर्जी मैं यहाँ पर अभी नहीं लगाऊंगी, बट आप लोगों से पूरी रिक्वेस्ट है कि यार आप एनर्जी मेंटेन रखिएगा. हम ज़्यादा एनर्जी लगाते हैं तो कफिंग शुरू हो जाती है, तो हम वो नहीं करना चाहते हैं. ठीक है, अब जितने लोग यहाँ पर हैं यू नो द ड्रिल. अगर आपने अभी तक अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. साथ ही साथ दोस्तों हमारी जो एप्लीकेशन है जिसका नाम है अड्डा 24/7, आप उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल जरूर कर लीजिए. आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आप लोगों की मोटिवेशनल कोट. इट सेज व्हेन समवन सेज यू कांट डू इट ट्वाइस एंड टेक पिक्चर्स. ठीक है, तो बहुत सारे लोग जिंदगी में, बहुत कम लोग होते हैं जो कहते हैं तुम ये कर सकते हो, और बहुत ज्यादा लोग होते हैं जो किसी भी काम को लेकर के आपको ये कहते हैं कि तो कृष्णा मुरारी पेड बैच में अगर आपको इंग्लिश से कोई शिकायत नहीं है तो फिर आप कहें इंग्लिश की क्लास में आके शोर कर रहे हैं. यहाँ पे तो खुश रहो, एटलीस्ट क्लैप फॉर मी. मेरी क्लास में तो कोई मसला नहीं होता ना, लाइक दैट मींस मेरे साथ कुछ सही हो रहा है. तो बाबा डोंट स्पैम एंड बी नाइस. इतने दिनों बाद में आई हूँ, एनर्जी नहीं लगाना चाहती थी, तुम डाइट खाने में एनर्जी लगवा रहे हो, क्या हो गया है? मिस यू क्यों भाई, नाउ आई एम हियर. यू मिस्ड मी इन द पास्ट बट नाउ आई एम हियर इन प्रेजेंट. तो बहरहाल जब लोग आपसे कहें कि आप ये नहीं कर सकते हैं, जैसे मैं अभी कह रही थी स्पैम मत करो, तो आप स्पैम कर सकते हैं एंड यू कैन टेक अ पिक्चर ऑल्सो, बट फिर आप ब्लॉग भी हो सकते हैं. तो वो सारी चीजें हैं. आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को जल्दी से बता दें भाई, आप लोग का फाउंडेशन क्लास जो है, फाउंडेशन बैच जो है जिसके थ्रू आप तैयारी कर रहे हैं अपने ESIC एग्जाम की, RBI एग्जाम के प्रीलिम्स फेज की, SBI, IBPS, बहुत सारे अपकमिंग एग्जाम्स हैं फॉर द ईयर 2022. तो ये रहा आपका बैच बाबा. इसमें अभी तक सिर्फ 2 क्लासेस हुई हैं, मेरी दोनों क्लासेस बहुत सही हुई हैं, एकदम फ्लॉलेस. आप जाकर के भाई इस बैच में जल्दी से जल्दी एडमिशन ले. मैच को परचेज करने के लिए अड्डा 24/7 की ऐप को इंस्टॉल करिए या फिर adda247.com पर जाइए, कोड Y169 लगाइए एंड जस्ट गेट योरसेल्फ एडमिटेड इन द बैच. आल्सो आप लोगों को बता दें कि ये जो बैच है और आपका ये जो प्रीलिम्स और मेंस का टेस्ट सीरीज है, ये सब कुछ अगर एक जगह चाहिए तो बैंक महापैक जिंदाबाद जाकर के आप इसे भी परचेज कर सकते हैं. सीधे बढ़ते हैं आगे एंड देखते हैं यहाँ पर हमारा पहला सवाल. क्वाइट लिटरली ESIC के नाम पे अगर आप लोगों की क्लास की बात करें तो ये पहली क्लास होने वाली है. एक जनरल आप लोगों को आइडिया दे दें कि भाई फेज वन में या प्रीलिम्स एग्जाम में किस तरीके के सवाल रहे हैं. जब प्रीवियस ईयर का हम लोगों ने एनालिसिस वगैरह देखा, किस तरीके के सवाल पूछे गए, क्या लेवल रहा, तो मजा आ गया. ऐसा लगा कि हमारे स्टूडेंट्स तो बिल्कुल इनके लिए बाएं हाथ का खेल है, आराम से विल बी एबल टू डू इट. लेट्स रीड द क्वेश्चन. इट इज गिवन बिलो आर सेंटेंसेस कंसिस्टिंग अ ब्लैंक इन each, हर सेंटेंस में एक ब्लैंक है. आइडेंटिफाई द मोस्ट सूटेबल ऑल्टरनेटिव. Identify the most suitable alternative among the 5 given that fits into the blank to make the sentence logical and meaningful. आप लोगों के सामने आपका पहला सवाल यहां पर है, जल्दी से इसे देखें एंड टेल मी what's going to be your answer. चलिए. The boat tilted and dashed within minutes and only those wearing life jackets could save themselves. जो boat थी वो tilt हुई, यानी कि झुक गई एक तरफ. And then something happened. उसके बाद कुछ हुआ और मतलब मिनटों के अंदर वो चीज हो गई. And only those wearing life jackets could save themselves. Saving themselves की बात हो रही है. तो यहाँ पर कौन सी ऐसी एक्टिविटी है या एक्शन है जिसके होने के बाद लोगों को खुद को सेव करना पड़ेगा. अंकेश बस करो बेटा, बहुत छोटा जोक था, हंसते ही जा रहे हो तुम. ठीक है, बहुत बढ़िया. Good answers, very good, absolutely. App पे फुल स्क्रीन में नहीं देख सकते, कौन अफवाहें फैलाता है तुम्हारे सामने. बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं है. हां जी,
वेरी गुड जॉब. आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैव गिवन मी द राइट आंसर. जब हम बात करते हैं हमारे ऑप्शन नंबर सी की कैप्साइज का क्या मतलब होता है यार, एक मैंने बहुत ही अच्छा वर्ड सीखा था और वो वर्ड देखो काम आ गया, विंटल. विंटल, विंटल का मतलब क्या होता है? विंटल इज अ सिनोनिम ऑफ कैप्साइजिंग. ये मैं अभी जब बीमार थी ना तो मैं अपना वही डिक्शनरी देख रही थी, उसमें मैंने सीखा ये वर्ड कि कैप्साइज का एक सिनोनिम इतना क्यूट होता है. विंटल इज अ वेरी क्यूट वर्ड, इजंट इट? द बोट विंटल्ड. वैसे तो ये दुर्घटना है बट बोलते वक्त वर्ड कितना क्यूट सा है. हाउएवर कैप्साइज का मतलब होता है ओवरटर्न हो जाना, पलट जाना पानी के अंदर. अब बोट पलट गई, ऑफ कोर्स पीपल हैड टू सेव देमसेल्व्स. बिल्कुल ठीक जवाब यहां पर ऑप्शन सी है. प्रॉफिटियर का मतलब क्या होता है? किसी चीज से भी बहुत अनड्यू एडवांटेज लेना, बहुत ज्यादा प्रॉफिट बनाने की कोशिश करना. इम्पोज करने का मतलब क्या होता है? किसी चीज को लागू करना, फोर्स करना किसी के ऊपर. इंटेल का मतलब होता है टू इंक्लूड समथिंग एज एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ इटसेल्फ, किसी चीज का ऐसा हिस्सा होना जिसको कि अवॉइड नहीं किया जा सकता है. फ्लैटरी का मतलब क्या होता है? चापलूसी, टू मेक समवन फील वेरी प्लीज्ड. ठीक है, ठीक है, यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट देखेंगे. जब मैं बड़े दिनों बाद लौटी हूं, यहां पर कुछ लोग बिल्कुल ब्लॉक होने के लिए बेकरार बैठे हैं, जैसे किसी ने किया ही नहीं 8-10 दिन से. क्या कहते हो बच्चों? देखो पहचानो किसको ब्लॉक होना है, जल्दी से बताओ. हाँ, थोपना, लागू करना. बिल्कुल राहुल, बहुत अच्छे. चलो आगे बताओ. एज अ वन शॉट पोर्टल फॉर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑन गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, द JSP कैन एडवांस द डैश ऑफ ट्रांसपेरेंसी. ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं यहां पर. एंड ट्रांसपेरेंसी रिगार्डिंग व्हाट? एक पोर्टल की बात हो रही है जहां पर आपको सरकार के सभी प्रोग्राम्स, सारे गवर्नमेंट प्रोग्राम्स की जितनी भी चीजें हैं उसकी जो इंफॉर्मेशन होती है वो मिलती है. ठीक है, JSP कैन एडवांस यानी सपोर्ट या एक तरीके से बैकअप कर सकता है उस चीज को, द डैश ऑफ ट्रांसपेरेंसी. यस यस यस, वेरी गुड, यू गाइस आर देयर. अब लगा ना थोड़ा सा कि हमारे पुराने वाले बच्चे हैं यहाँ. बहुत अच्छा लगता है यार तुम लोग से मिलके. ऑनेस्टली स्पीकिंग आई माइट गेट अ लिटिल इमोशनल अबाउट इट, बट एवरी डे व्हेन आई कम एंड से हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, इट फील्स लाइक लाइफ इज कंप्लीट. Advance the dash of transparency. Oh God, very bad answers everyone. Very very bad answer. Advance यहाँ पर बात कर रहा है support की. तुम लोग website कह रहे हो, कोई transparency की अलग से website बनाई है? Very bad. ये कह रहे हैं कि वन शॉट पोर्टल है अपना ये JSP. The JSP can advance, एक तरीके से किसी चीज को सपोर्ट कर सकता है, the dash of transparency. So transparency हमारा कहीं ना कहीं एक aim है, एक हमारा objective है. The objective जो हमारा मतलब एक belief है या हमारा जो एक target है, that we want to keep things ट्रांसपेरेंट. ये पब्लिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हैं तो इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाट इज देयर टारगेट? वो लोगों तक बातों को पहुंचाना चाहते हैं. दे वांट टू कीप इट क्लियर विदाउट एनी कवर्स, राइट? सो यहां पर ऑब्जेक्टिव इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. बहुत बहुत ही बुरे आंसर आप लोगों ने दिए, पर मैंने बोला ना एनर्जी नहीं लगाऊंगी मैं, तो ऐसे ही डांट खा लो. तो रिस्क रिमेन्स रिलीज. अच्छा, एडवांस द डैश ऑफ, यहां पर द रिमेन्स ऑफ, रिमेन्स यानी रेसिड्यू, बचा खुचा किसी चीज का है ना, तो दैट्स नॉट गोइंग टू बी राइट एट ऑल. द रिस्क ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी इज अ गुड थिंग मैन, यू आर टॉकिंग अबाउट पब्लिक इंफॉर्मेशन. आप लोग सरकार के प्रोग्राम के बारे में क्या चाहते हैं? कि चीजें आपके सामने हो, इन अ डेमोक्रेसी स्पेसिफिकली, राइट? हम लोग क्या सोचते हैं? है ना? जी हाँ, थोड़ा सा फोकस्ड रहो, डांट नहीं खाना चाहते तो क्या हुआ? गुड जॉब. चलो नेक्स्ट देखते हैं. इंडियाज रिकॉर्ड इन प्रमोटिंग ऑक्यूपेशनल एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी रिमेन्स वीक इवन विद इयर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. अब इवन विद का मतलब होता है के बाद भी. मैम मुझे इंग्लिश नहीं आती. बेटा मुझे फ्रेंच नहीं आती. हाँ कोई बात नहीं, मैं किसी को ब्लॉक नहीं कर रही हूँ. देखो मैंने किसी को ब्लॉक नहीं किया, बीमारी के बाद मैं सीधी हो गई. अगेन की स्पेलिंग सीखो, बाद में रिपीट करेंगे. थैंक यू उज़मा, बिल्कुल ठीक हूँ बेटा मैं, थैंक यू. चलो,
इंडिया, ना ना गलत बात कर रहे हो, इंडिया का जो रिकॉर्ड है ऑक्यूपेशनल और इंडस्ट्रियल सेफ्टी को प्रमोट करने में, यानी उसको सपोर्ट करने में, उसको आगे बढ़ाने में रिमेन्स वीक, वो अभी भी कमजोर है, इवन विद इस चीज के बाद भी, इवन विद रिग्रेसिव इकोनॉमिक ग्रोथ, फॉरगॉटन इकोनॉमिक ग्रोथ, अबैंडन्ड रोबस्ट हजार्ड्स, आपको पता है कि ये चीज खराब है पॉजिटिव के बाद भी। अगर मैं आपको बोलूं माई स्टूडेंट्स रिमेन डिस्ट्रैक्टेड इवन आफ्टर years of डैश, अब यहां पर मेरे स्टूडेंट्स डिस्ट्रैक्टेड हैं डैश के बाद भी, यानी हमने कुछ अच्छा किया उसके बाद भी तुम लोग डिस्ट्रैक्टेड हो, ये कमजोर है इवन विद, इसके साथ भी, इवन विद रोबस्ट डैश, सॉरी इवन विद years ऑफ रोबस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि एक सॉलिड कॉन्क्रीट ग्रोथ हो रही है, ठीक है, एक अच्छी ग्रोथ हो रही है, है ना। तो यहां पर आप लोगों को क्या जवाब देना है, ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज दैट्स दी ओनली पॉजिटिव वर्ड, ये कह रहे हैं वो कमजोर है इवन विद इयर्स ऑफ रोबस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ एवरीवन। बहुत ही गलत आंसर्स जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर कुछ भी और बोला एक्सेप्ट फॉर डी, ठीक है, प्लीज बी केयरफुल। राइट, अबैंडन्ड का मतलब क्या होता है, डिजर्टेड, जो खाली पड़ा हो, जैसे अबैंडन्ड बिल्डिंग, अबैंडन्ड प्लॉट्स, अबैंडन्ड कॉम्प्लेक्सेस, खाली छोड़ दी गई है जो जगह है। फॉरगॉटन का मतलब भूल गए है, रिग्रेसिव का मतलब नॉट प्रोग्रेसिव, जो आगे नहीं बढ़ रहा है पीछे को जा रहा है, रिग्रेसिव थिंकिंग होती है लोगों की, पीछे जाना चाहते हैं वो, 2022 में खड़े होकर के वो 1700 की बात करना चाहते, बात नहीं वहां के रिचुअल्स फॉलो करना चाहते हैं। तो ये सब तो नेगेटिव वर्ड्स ही हैं, यू वांटेड पॉजिटिव, सिंपल कॉन्टेक्स्ट देखेंगे। अगला सवाल, व्हाइल इट इज डैश that the lander failed to safely touch down. It is apt to remember that ISRO was attempting powered landing for the first time. Achha, ye kya keh rahe yahan par? While it is dash that the lander failed to safely touch down. Yani ye baat dash ho chuki hai ki lander jo hai wo safe touch down, yani ki landing acche se nahi kar paya. Touchdown aap samajh lo, pahunch nahi paya. Theek hai? Ye baat dash hai. इट इज एप्ट, ये जान लेना अप्रोप्रिएट है, सही है, या ये याद रखना अप्रोप्रिएट है कि पहली बार इसरो इस तरीके की एक पावर्ड लैंडिंग कर रहा था, है ना। तो यहां पर क्या लग रहा है, इट इज एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड का मतलब होता है आगे बढ़ा दिया जाना या किसी चीज को लंबा कर देना, ठीक है, बढ़ाना या लंबा करना, दैट वे अकम्प्लिश्ड। It is unfortunate, predetermined. Predetermined का मतलब होता है पहले से कोई चीज जो निश्चित हो भाई, मतलब ये fixed है, your destiny is predetermined. लोग कहते हैं तुम्हारी किस्मत पहले से ही क्लियर है, पता है कि ऐसी होने वाली है। While it is explored, explore करने का मतलब तो ढूंढना, सर्च करना, sort of. तो क्या क्या eliminate हो रहा है, ये eliminate हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, दो words बचते हैं। It is accomplish, you accomplish your goals, your aspirations, what are you left with? बहुत ही गलत जवाब लोग यहाँ पर दे रहे हैं जो कह रहे हैं accomplished. It is accomplished. You achieve something and then you say that I've accomplished this. मैं कुछ प्राप्त कर चुकी हूँ, कुछ gain किया है, उसके लिए मैं accomplish use करती हूँ. It is unfortunate. ये बात unfortunate है, दुर्भाग्यशाली है, या फिर जिसको कहते हैं कि it is not a very good thing. अच्छी चीज़ नहीं हुई कि वो नहीं land कर पाया. After all, मेहनत होती है इन सब चीज़ों में. आगे क्या कह रहे हैं, पर हमें याद रखना चाहिए कि बाबा पहला, it was a first time, है ना, पहली बार में गलती नहीं होगी तो कब होगी. So the right answer is option C. Very good. This time there's a lot of improvement. Mr. Z has dash on an aggressive policy aimed at China's economic, technological, and strategic dominance. Mr. Z. Sanjay Singh, yaar, who are your friends and who are you? You are very nice. Bahut hi aap generous hain. Thank you so much for your kind words. Thank you. God bless you. Miraj, nice to see you, buddy. Chalo. अचानक से कुछ होना अनफॉर्चुनेट नहीं होना होता है, अनफॉर्चुनेट फॉर्च्यून क्या होता है,
गुड लक, अच्छा भाग्य, अनफॉर्चुनेट बुरी चीज, खराब चीज, ठीक है. वेरी गुड, बहुत अच्छे. दिस इज उषा पांडे, दीपेंद्र जयश्री. एक्चुअली मैं पहले एक नाम पढ़ रही थी, बट इट वॉज अ लॉन्ग नेम. वेरी गुड त्रिलोचन, यस. लेट अस सी, मिस्टर जी हैज अंडरस्कोर्ड ऑन एन अंडरस्कोर का क्या मतलब होता है? व्हाट इज अंडरस्कोर ऑन एन? अच्छा, यहाँ पर आप देखें, प्रोलॉन्ग्ड ऑन एन, किसी चीज को प्रोलॉन्ग कर देने का क्या मतलब होता है? Anything like a prolonged disease, like this thing, this COVID thing is a prolonged disease. ये लंबे समय से चलता चला रहा है. It is rather a prolonged event in all like the entire history. हाँ शशांक, तुम मत सुधरो बेटा, तुम्हारे जैसे एक दो चाहिए होते हैं. देखो कौन यहाँ, मतलब कुछ लोग होते हैं ब्लॉक होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो अपशब्द सुनना चाहते हैं. बिल्कुल वेरी गुड जॉब. बस एक आधे को ब्लॉक कर ले बेटा, आ रहे हैं. पहले तो जितने लोगों ने सही आंसर बताया है, वेरी गुड जॉब. यहाँ पर अलेज करने का क्या मतलब होता है? ही हैज अलेज्ड ऑन एन अग्रेसिव पॉलिसी. व्हेन यू से अलेज, दैट मींस यू हैव मेड अ क्लेम विदाउट प्रूफ, यानी कि बस कहा है, उसको साबित करने के लिए तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है कथित तौर पर. बट दिस मेक्स नो सेंस, अलेज नहीं किया है. अलेज होता है जैसे मैं अलेज करूंगी कि वहां भूत था, कुछ कहा है विदाउट प्रूफ. अगेन डिदर का मतलब क्या होता है? टू बी इनडिसाइसिव, जब आप किसी चीज को लेकर के निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, दैट इज टू बी इनडिसाइसिव. एम्बार्क करने का क्या मतलब होता है? और यहां पर जो आपका प्रेपोजिशन है, दैट इज एक्चुअली ओनली गोइंग विद एम्बार्क गाइज. एम्बार्क का मतलब होता है टू गेट ऑन अ कोर्स ऑफ एक्शन, किसी जर्नी की शुरुआत करना, उसमें लग जाना. मिस्टर जी हैज एम्बार्क्ड ऑन एन अग्रेसिव पॉलिसी, यानी कि वो एक अग्रेसिव पॉलिसी पर शुरू हो चुके हैं या उस जर्नी को शुरू कर चुके हैं. किस चीज के लिए? चाइना की इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल एंड स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस के लिए. प्रोलॉन्ग का मीनिंग हमने बता दिया है. अंडरस्कोर का मतलब क्या होता है जल्दी बताओ. दिस आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स, अंडरस्कोर, अंडरलाइन, इस टाइप की चीजें हाईलाइट करने के लिए बोली जाती है ना, इसका मतलब होता है हाईलाइटेड. अच्छा वेरी गुड भाई, जितने लोग देख रहे हो ना यार, ये लाइव लाइक सब भूल जाते हो क्या? एक हफ्ते में मैं नहीं अकेले भूलती हूँ, तुम लोग भी भूल जाते हो. इन ईच ऑफ द क्वेश्चंस गिवन बिलो अ सेंटेंस इज गिवन व्हिच इज देन डिवाइडेड इनटू फाइव पार्ट्स, आउट ऑफ व्हिच लास्ट पार्ट इज करेक्ट. देयर आर एरर्स इन थ्री आउट ऑफ फोर रिमेनिंग पार्ट्स, बाबा, एंड देयरफॉर ओनली वन ऑफ द पार्ट्स इज करेक्ट, ओके, अदर देन द बोल्ड वन. तो एक बोल्ड में भी है पार्ट और उसके अलावा चार हिस्से हैं, चार में से तीन में एरर है, कोई एक है जो सही है. यू मस्ट चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट पार्ट, जो सही है उसको अपना आंसर बता दीजिए. देयर गोज योर क्वेश्चन. चलो हाँ हाँ चलो जल्दी से बताओ. Very good. Some of you have already given me correct answers. I'm surprised. Good job. Chalo. Achha. Kaun sa sahi hai ye batao. Which one is correct? Kya baat kar rahe ho? Tumhare hisab se. Beta, which one is correct? Ruk jao. Kirti, kya kar rahi ho? Bakul. अंकित, नो दैट्स नॉट नाइस, बिल्कुल गलत जवाब है. चलो पहले तुम लोग लिख लो, ए ए ए ए कर लो. बाबूजी वेलकम बैक. क्या ये क्या कर रहे हो? सबका जवाब गलत है, बिल्कुल गलत जवाब दे रहे हो सब. आओ और रामायणा, जो करेक्ट पार्ट है वो तुम्हें बताना है. ये जो ई है, दिस इज ऑलरेडी करेक्ट, इसको छोड़ दो. इसके अलावा दिस वन मोर पार्ट व्हिच इज एब्सोल्युटली करेक्ट, यू नीड टू मार्क दैट एज योर आंसर. अब रुक जाओ, आंसर देख लो, ठीक है. अब ये देखो, रामायणा एक यूनिक डॉक्यूमेंट की यहां पर बात हुई. डॉक्यूमेंट क्यों बोल रहे हैं हम उसको? एक यूनिक चीज है रामायण हमारे लिए, राइट. यूनिक के साथ तुम अ लगाते हो कि डेफिनेट आर्टिकल द लगाते हो? बेटा
द लगता है, वी गॉट टू बी केयरफुल. आप अ सन नहीं कहते, आप द सन कहते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि एक ही सन है हमारे लिए. गेटिंग इट एवरीबडी? एन अर्थ या अ अर्थ नहीं बोलते हैं, आप दी अर्थ बोलते हैं. सो वील हैव टू बी केयरफुल. ए में तो एरर मिल गया, हटाओ इसको. इज नॉट जस्ट एन स्टोरी, तुम लोग सीरियसली तुमने बोला बी इज ऑल्सो करेक्ट. एन स्टोरी, वॉट इज एन स्टोरी? स्टोरी में स से शुरुआत हो रही है, स्टोरी. एन स्टोरी क्या होता है? स्टोरी लिख रहे हो. It's just a story that probably occurs several. एक सेकेंड रुको. That probably occurs. ये जो D बता रहे हैं, रामायण हो चुका है ना, लिखा भी जा चुका है, हो भी चुका है. That probably occurred in the past, several centuries ago. कोई चीज जो पहले हो चुकी है. क्या हुआ? Where are we going? This is going to be the problem part in part D. कौन सा बचा? सिर्फ सी सही है, सिर्फ सी सही है. सी फॉर कैट. आया मजा? चलिए नेक्स्ट देखेंगे. वंश, रीति, मिराज, कृति, हायाबुसा, वेरी गुड. ठीक है, चलो जल्दी जल्दी करो, कोई नहीं. ठीक है. देर इज नो डाउटिंग दैट चाइना हैव यूज्ड देयर कमर्शियल एक्सपेंशन टू फर्दरिंग इट्स स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स. चलो 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 बताओ, बिकॉज यू कैन टोटली कॉल इट अ स्टोरी एज वेल. अरे बाबा, इन स्टेटमेंट इफ दे हैव रिटन अ स्टोरी, इट्स एब्सोल्युटली फाइन. इट इज अ स्टोरी. अ रियल स्टोरी माइट बी फॉर अस, बट कोई, इट्स नॉट अ क्राइम टू कॉल इट अ स्टोरी. रिलैक्स प्लीज. एरर डिटेक्शन में अपने सेंटिमेंट्स ना ले आए. क्या है यार? हाँ, अब्दुल रहमान, बहुत अच्छे. चलो, कौन सा सही है? वेरी गुड, सी को सही बताया है, बिल्कुल तुम लोगों ने है. फर्दरिंग तुम लोगों ने बताया है, वेरी गुड. टू के बाद वी आई एन जी ही तो लगता है. नाइस, वेरी नाइस बेटा. ओनली 8 days आई कुडंट टेक क्लासेस एंड यू गाइज हैव गॉन बैक टू जीरो. आओ आओ चलो. देर इज नो डाउटिंग, देर इज नो डाउट, इस बात को लेकर कोई शंका नहीं है. यहां पर इसको बताया जा रहा है नो डाउट. देर इज नो डाउट, कोई शक नहीं है, शंका नहीं है. डाउटिंग एक्शन होता है. देर इज नो डाउट, कोई भी शक नहीं है, शंका नहीं है. एज एन ऑब्जेक्ट, देर इज नो डाउट. पहली चीज ये क्लियर करो, ठीक है? डाउटिंग जब तुम एक्शन करोगे. आई एम नॉट डाउटिंग योर इंटेंशंस, मैं तुम्हारी मंशा पर शक नहीं कर रही हूं. एज एन एक्शन इट विल बी डाउटिंग, बट हियर यू नीड एन ऑब्जेक्ट एवरीबडी. देर इज नो डाउट दैट चाइना हैव, चाइना इज सिंगुलर, चाइना हैज, दैट चाइना हैज यूज्ड देयर कॉमर्शियल, देयर, चाइना प्लूरल है जो तुम देयर लिख रहे हो, इट्स लिखो यहां पर, इट्स कॉमर्शियल एक्सपेंशन. टू फर्दरिंग क्या होता है? कुछ नहीं होता है. टू फर्दर, फर्दर का मतलब होता है बढ़ाना, टू प्रोसीड, टू मेक ग्रो, टू फर्दर इट्स, यानी टू सपोर्ट इन अ वे, टू सपोर्ट इट्स स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स. That is the correct answer. Now you guys can seriously say none of the above is correct. None of the above is correct. Yes, finally, देखो सब जग गए. Everybody woke up. मेरी भी चाय कॉफी यार स्टूडियो में बंद करा दी तुम लोग के चक्कर में. प्लीज यार, प्लीज बच्चों बोलो, कॉफी पीने दिया करें मुझे. देर इज एन फेलियर इन स्टोरी टेलिंग वेयर द डेथ ऑफ अ लैंग्वेज हैज बिकम्स अ लिटनी ऑफ नंबर्स. लिटनी समझते हैं आप लोग? जो हम माला का जाप करते हैं ना, एक तरीके से बार बार किसी चीज को रिपीट करना, जैसे हम लोग पूजा पाठ करते हैं, या मतलब लोग मंत्रोच्चारण जो एक तरीके से होता है, जय सियाराम या राधे कृष्ण जो भी बोलते हैं लोग, अपने अपने रिलीजन में अलग बोलते होंगे, बट दैट रिपीटेड फ्रेज को बोलना, रिपीटेडली किसी फ्रेज को बोलना, दैट इज अ लिटनी. किसी ने लिखा है जिस दिन चाइना वाले मिल जाएंगे बहुत मारूंगा पटक के. मैं तुम्हारा समर्थन करूंगी दोस्त, मैं ताली बजाऊंगी जब तुम मारोगे उनको. ऐसे बोलना नहीं चाहिए, वो भी पोर्टल पे. मैं किसी को मारूंगी पीटूंगी नहीं, मैं बहुत ही सीधी हूं.
राइट, वेरी गुड आंसर्स, बेटर. देखो अभी सब ठीक कर रहे हो. देर इज एन फेलियर नहीं हो सकता, कॉमन सेंस बताता है आपको. यहाँ पर अ होगा, एन कब लगता है, वोवल साउंड के पास, हटा दीजिए. इन स्टोरी टेलिंग वेयर द डेथ ऑफ अ लैंग्वेज हैज बिकम्स, अब बताओ आगे, बी का बताओ, बी पे टारगेट करेंगे. इन स्टोरी टेलिंग इसमें तो कुछ, देर इज अ फेलियर इन स्टोरी टेलिंग, यानी स्टोरी बताने के तरीके में कुछ फेलियर है. वेयर द डेथ ऑफ अ लैंग्वेज हैज बिकम्स, व्हाट डू यू थिंक इट इज? इन स्टोरी टेलिंग ठीक अभी भी लग रहा है, आगे तक पढ़ लो एक बार. देर इज अ फेलियर इन स्टोरी टेलिंग वेयर द डेथ ऑफ अ, आई जस्ट वॉन्ट यू टू रीड इट अगेन बाबा, वेट. ओके, देर इज अ फेलियर ऑफ स्टोरी टेलिंग, कहानी कहने का गड़बड़ है, कहानी करने बताने का मिस्टेक है. वेयर द डेथ ऑफ अ लैंग्वेज हैज बिकम्स, यहां पर इन स्टोरी टेलिंग नहीं, यहां क्या कह रहे हैं, देयर इज अ फेलियर ऑफ स्टोरी टेलिंग वेयर द डेथ ऑफ अ लैंग्वेज हैज, हटाओ, बिकम्स अ लिटनी ऑफ नंबर्स. वेयर द डेथ ऑफ अ लैंग्वेज बिकम्स अ लिटनी ऑफ नंबर्स, यहाँ क्या कह रहे हैं कि इतनी बार लैंग्वेज को फेल किया है या इतनी बार लैंग्वेज को गलत तरीके से यूज किया है कि दैट बिकम्स अ लिटनी, बार बार रिपीट हो रही है वो चीज. द करेक्ट पार्ट इज अगेन ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, ये जितने जल्दी जल्दी बदल रहे हैं आंसर को, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. एक बार शेयर और लाइक तो बनता है ना, शेयर लाइक भाई खुद ही कर लो, क्यों एनर्जी लगवाते हो उधर सब चीजों में. यस, वेरी गुड प्रियंका, गुड जॉब नेहा. हाँ, आपकी क्लास अच्छा लग रहा है, आपकी क्लास अच्छी लग रही है. ठीक है, नेक्स्ट. इट वॉज ओनली बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस ऑफ दोज मेनी इयर्स दैट आई कैन प्रिपेयर माई सेल्फ फास्ट फॉर द रोल दैट आई टेक अप. लास्ट वाले से पढ़ो तो तुमको दिखेगा एरर, मतलब पूरा पढ़ो, लास्ट वाले पे थोड़ा ध्यान दो, क्योंकि ये तो सही है, दिस इज फिक्स्ड, रीड इट एंड गिव मी योर आंसर्स. बेटा तुम्हें कुछ लोग इग्नोर कर रहे हैं वर्षा, पर हम नहीं कर रहे हैं, तुम यहां पढ़ाई के अलावा सब कर रही हो. कोई आके यहाँ नौरीन कैसी हो, कोई यहाँ शशांक कैसे हो, इंदु कैसी हो, हम क्या कर रहे हैं फिर यहाँ है. वेरी बैड. लास्ट वाला देख के पहले, जो लोग भी कह रहे हैं कि ऑप्शन ए सही है, आपको बोला मैंने, लास्ट वाला देखो, फॉर द रोल दैट I take up. Can you see verb का first form? Verb का first form हम लोग कब use करते हैं? Present tense में use करते हैं ना. It was only. It was past की बात कर रहा है. बाबा you need to focus. थोड़ा ध्यान. It is. पहला गड़बड़ यहाँ हो गया, इसको हटा दो. अब आगे देखो. एक एक करके करो. छोटे हिस्सों को analyze करो ना, अगर एक बार में पूरा नहीं देख पाते तो. Very good. ठीक है, वेरी गुड, नाइस, वेरी गुड साई शिल्पा, गुड जॉब. हाँ, बेटर आंसर्स. इट इज ओनली बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस ऑफ, अगेन गाइज, ये जो आप प्रैक्टिस यहां पर यूज कर रहे हैं, आप एक डेफिनेट प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं कि जो मैंने अभ्यास किया था इतने सालों में, मैंने जो डेफिनेट प्रैक्टिस इन सालों में की थी, तो यू नीड टू मेक इट डेफिनेट. इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ दोज मैनी ईयर्स दैट आई कैन प्रिपेयर माई सेल्फ फर्स्ट ऑफ दोज मैनी ईयर्स दैट, इसमें कुछ लग रहा है गड़बड़, जल्दी से बताइए. दीज मेनी इयर्स करो ना इसको, दोज अगेन टॉक्स अबाउट थिंग व्हिच इज गॉन इन द पास्ट, राइट. वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट टेंस, वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट टाइम, वी आर सेइंग दीज मेनी इयर्स, यानी ये सालों में जो मैंने किया, तो ये जो आसपास अपना रीसेंट टाइम की बात कर रहे होंगे मोस्टली, सो वी विल राइट दीज हियर इंस्टेड ऑफ दोज. दीज आर वेरी सिली एरर्स, बहुत छोटे हैं, आपको पता भी है ये सब. इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिस, क्योंकि आप एक डेफिनेट प्रैक्टिस, ये आप लोग को पता है, मुझे मालूम है आप ढूंढ सकते हैं इसको. इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ दीज मेनी इयर्स दैट आई कैन प्रिपेयर माई सेल्फ फास्ट फॉर द रोल दैट आई टेक अप. जो जो हम काम लेने वाले हैं या काम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले, उसके लिए हम क्यों तैयार कर पाए खुद को,
इन सालों की मेहनत की वजह से, इन वर्षों की मेहनत की वजह से. सो व्हाट इज द करेक्ट पार्ट हियर? ऑप्शन नंबर डी. वेरी गुड आंसर्स. ठीक है, एक आध बार गड़बड़ करके देन यू आर एबल टू लैंड ऑन द करेक्ट आंसर ना. ठीक है, गुड इनफ, बहुत अच्छा कर रहे हो, कोई टेंशन नहीं है. पानी चाहिए मुझे, ना तो सही ढूंढ पा रहा हूँ ना ही समझ आ रहा है. तो कोई तो क्लास मत देखो, टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, जहां समझ आए वहां देखो आराम से. आपका कहाँ मिलेगा फाउंडेशन बैच? मेरा फाउंडेशन बैच अड्डा 24/7 की ऐप पर मिलेगा. ऑफ कोर्स ऐप पे इतनी अच्छी क्लास होती है, ऐप पे इससे ज्यादा अच्छी होती है. बहुत खुशी से पढ़ते हैं बच्चे सारे. हम नहीं बोल रहे हैं. हाँ, वेरी गुड. अरे मैं सही हूँ जोश, कोई टेंशन. जोश गेमिंग मतलब सही है, आई एम फाइन, डोंट वरी. हाँ, थैंक यू साहिल. Well, let's see. A democracy that failed to being in... you know the answer. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. See, now you guys are getting there. ये वाला भी complicated था, but अब आप focus कर रहे हैं, आप कितना अच्छा कर रहे हैं. I'm very proud of all of you guys. Why are you? एक ने पूछा, why are you? तुम क्यों हो? मैं हूं यार, अब क्या करें. आइए, बहुत बढ़िया. देखिए, सबसे पहला अ डेमोक्रेसी दैट फेल. आपका जो डेमोक्रेसी यहां दिख रहा है, अ भी लिखा है, दैट मेक्स इट प्रिटी क्लियर कि ये एक सिंगुलर चीज की बात कर रहा है. सब लोगों ने इसको पहचान लिया ना. अ डेमोक्रेसी के बाद हमारा जो वर्ब है वो भी सिंगुलर होना चाहिए. विल मेक इट फेल्स. वेरी गुड. अ डेमोक्रेसी दैट फेल्स. किधर गड़बड़ हुआ? पार्ट ए में एक गड़बड़ मिल गया, मतलब अभी के लिए गलत वाला मार्क कर लो. कंफ्यूज मत होना प्लीज. ठीक है, हमें गड़बड़ मिल गया उधर. नेक्स्ट, टू बीइंग इन्वेंटिव. अ डेमोक्रेसी दैट फेल्स टू बीइंग. आईएनजी क्यों लगा रहे हो? आप एक फैक्ट स्टेट कर रहे हो कि एक डेमोक्रेसी जो कि इन्वेंटिव नहीं हो पाती है, टू बीइंग की जगह दैट फेल्स टू बी इन्वेंटिव अबाउट कल्चर इवेंचुअली बिकम्स एन नॉमिनल रुडिमेंट्री एंड स्टैंडर्डाइज्ड वर्ल्ड इवेंचुअली बिकम्स नॉमिनल रूडिमेंटली. मतलब बेसिकली यही कह रहे हैं कि जो इन्वेंट नहीं करता रहेगा, क्रिएटिव नहीं रहेगा, डेवलप नहीं होता रहेगा, तो वो क्या होगा? बाद में बेसिक बन के रह जाएगा. रूडिमेंटरी एंड ऑल ऑफ दिस मीन्स व्हाट? बेसिक. कोई ग्रोथ नहीं होगी उसमें, कोई चेंजेस नहीं होंगे उसमें. हाँ, तो यहाँ पर कौन सा सही निकला? ऑप्शन सी सही निकला, बाकी सब में एरर मिल गए. नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास. ऊ बाबा यार, आया था सेंटेंस रीअरेंजमेंट जो है, आया था ESIC ये के एग्जाम में. ठीक है, हाँ, जिस भी चीज की प्रैक्टिस है बेटा कर लो, फायदा ही होगा तुम्हें. ठीक है, अब पहले यहां पर अभी हम ऑप्शन नहीं दिखाएंगे, वैसे ऑप्शन भी है, आई हैव रिटन इट, बट पहले अपने आप ट्राई करते हैं इसको. एंड एक बात बताइए कि वेरी गुड प्रियांशु कुमार, आई टुक योर नेम, गॉड ब्लेस यू. नाउ लेट्स फोकस ऑन द क्लास. वेयर आर यू मैम? मैम जॉब लगने के बाद बिल्डिंग में जाना है अड्डा की. ठीक है, हाँ आ जाइएगा. अब यहां पर बताओ शुरुआत का मुझे, अगर तुम लोगों ने बता दिया कि ओपनिंग सेंटेंस क्या है, बाकी हम सब करवा देंगे. Okay. यार एक बात बताऊं तुम लोग को, मतलब एक ऐसे बड़ी बहन या दोस्त समझ के कुछ ऐसे एक एडवाइस ले लो. ये जितने भी लोग, जो भी एंजल गर्ल, बिंदास गर्ल, कूल गर्ल, स्टाइलो गर्ल, ये जो भी अपने यूजर नेम में लगाते हैं, ये बिल्कुल भी कूल नहीं लगते हैं. प्लीज बुरा मत मानना मेरी बात का. टेलिंग यू, बहुत मीम्स बनते हैं. केक मर्डर एट 2nd November मेक्स नो सेंस ना. ये सब मत लिखो प्लीज, मैं बहुत विनम्र निवेदन कर रही हूं.
चलो चलो चलो. ओ लवली, वेरी गुड रिया वरदान, वेरी गुड आंसर शालिनी, बहुत अच्छे बहुत अच्छे. ओपनिंग पूछा था ना, वेदर द रेटिनल डेटा करेंटली स्टोर्ड, व्हाट रेटिनल डेटा आर वी टॉकिंग अबाउट एंड वेदर हम कब यूज करते हैं, व्हेन वी आर अबाउट टू गिव टू चॉइसेस और ऑप्शंस एटसेट्रा. सो वी कैन क्लियरली सी, अभी हमको पता ही नहीं है अपन किससे नहीं शुरू कर रहे, ए से नहीं शुरू कर रहे, किस से शुरू कर रहे हैं, ऑप्शन बी से शुरू कर रहे हैं. द याहू ब्रीच मेड, अच्छा अपन द याहू द गूगल नहीं लिखते हैं, बट व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट, वी टॉकिंग अबाउट अ ब्रीच व्हिच वाज रिलेटेड टू याहू. सो याहू यहां पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है. हमारा ओवरऑल नाउन is this Yahoo breach. The Yahoo breach made news around the world primarily because of its scale, the intensity. It's really hard to lose the data on 500 million people. Yani bahut badi baat hoti hai jab aap 500 million people ka data kho de. Oh baba, that's actually a lot hai na. तो वेल यहां पर आप देखिए बी से आपने शुरुआत करी है. अच्छा उसके बाद इफ और व्हेन द डेटाबेस इज कॉम्प्रोमाइज्ड इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर पीपल टू चेंज देयर पासवर्ड्स. बायोमेट्रिक डेटा इज एसेंशियली अनचेंजेबल व्हेन कंप्लीटेड. आधार डेटाबेस विल कवर द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन बट नॉट फॉर आधार. वेल आई वॉन्ट यू टू गिव मी द नेक्स्ट वन वेरी क्विकली, यू गाइज आर डूइंग एन एक्सलेंट जॉब. यहां देखो देखो देखो, पहले इन्होंने बोला कि जो ये है द याहू ब्रीच मेड न्यूज अराउंड द वर्ल्ड प्राइमरीली बिकॉज ऑफ इट्स स्केल, इट्स रियली हार्ड टू लूज द डेटा ऑन 500 मिलियन. कह रहे हैं कि इतना बड़ा था वो कि वो विश्व भर में उसकी खबर फैली बिकॉज ऑफ इट्स स्केल इट्स लेवल. नाउ दे सेइंग बट नॉट फॉर आधार, आधार को लेकर ऐसा कुछ बात नहीं किया गया है, राइट. सो बी एफ आप देखें यहां पर एक बार रख के देखिए, ठीक है. नो इट्स नॉट ए, इट्स नॉट ए, डेफिनेटली नॉट ए, ठीक है. बी एफ एक बार आप रखिए, रुकिए समझाते हैं क्यों नहीं ए आएगा यहां पर. गलत जवाब मत दो, रुक जाओ. 1000 प्लस चल रहा है, 700 कुछ लाइक्स हैं, क्लास भी खत्म करने वाले हैं हम. थोड़ा ध्यान से थोड़ा अच्छे से मैनेज कर लो. नहीं 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 नहीं, बी एफ होगा. पहले देखो तुमने एक यहाँ पर स्टेटमेंट दिया, ठीक है ठीक है. तुमने बताया कि ये बहुत इस चीज की बात चली थी, पीपल गॉट टू नो अबाउट इट बिकॉज इफ इट्स स्केल एंड एवरीथिंग. फिर कह रहे हैं बट नॉट फॉर आधार, आधार को लेकर ऐसा कुछ नहीं कहा जा रहा किया जा रहा है. ओके अब आगे यहां से आधार के बारे में बात कहां हुई है. ये पहले इन्होंने ये बात बताई कि बाबा जब इन्होंने लूज किया था 500 लोगों का डेटा, 500 मिलियन लोगों का डेटा, तो इट वॉज क्वाइट अ न्यूज. आगे कह रहे हैं आधार के चक्कर में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है. व्हेन कंप्लीटेड, जब ये चीज कंप्लीट हो जाएगी, आधार डेटा बेस विल कवर द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन. आधार का जो डेटा बेस है वो वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन को कवर करेगा. गेटिंग इट एवरीबडी. ये इसके बाद आप ई लिखें, ठीक है. अभी देखना ए कहां पर लगेगा तुम लोगों का. गलत जवाब दे रहे हो, बहुत अच्छे मनीष साहू, वेरी प्राउड ऑफ यू. दैट्स नॉट द राइट आंसर दो, मतलब यू आर प्रीटी क्लोज एक्चुअली. ठीक है चलो, मेरी तबीयत ठीक है बेटा, थैंक्स. आगे बताओ, चलो बी एफ ई तक बताया, इससे जोड़ो अगला स्टेटमेंट, ई से जोड़ो अगला स्टेटमेंट. व्हेन कंप्लीटेड आधार डेटाबेस विल कवर द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन. बायोमेट्रिक डेटा इज एसेंशियली अनचेंजेबल. इफ और व्हेन द डेटाबेस इज कॉम्प्रोमाइज्ड, क्या लग रहा है क्या आएगा. ई के बाद कह रहे हैं कि जब कंप्लीट हो जाएगा ना आधार का डेटाबेस, तो ये बेसिकली कौन है सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन, हमारा देश है. तो ये बी एफ ई की बात कर रहे हैं. व्हेन कंप्लीटेड आधार डेटाबेस विल कवर द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन. इफ और व्हेन, अगर कभी भी जा करके, अगर खोता है या जब भी खोता है, तो हमारा जो डेटा कॉम्प्रोमाइज होगा. इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर पीपल टू चेंज देयर पासवर्ड. लोग अपना पासवर्ड नहीं बदल पाएंगे वहां जाकर के. तो बी एफ ई एंड देन सी. आगे बताइए क्या होगा. आगे आपके पास सिर्फ दो बचे हैं, ये सब आप हटा दीजिए, ठीक है. बस ये दोनों बचे हैं. देखो बायोमेट्रिक डेटा इज एसेंशियली अनचेंजेबल, वो पासवर्ड नहीं चेंज कर पाएंगे. फिर उन्होंने क्या बोला कि जो बायोमेट्रिक डेटा होता है, जो ये थंब प्रेस करके लिया जाता है या कई बार ये इसे इधर वाला, ये जो है ना, ये एसेंशियली अनचेंजेबल होता है, यानी कोर नेचर से अनचेंजेबल होता है, इसको बदला नहीं जा सकता है. यहां पर डी लगा दो, अनचेंजेबल से कनेक्ट किया है तुमने, ये किया. अब वेदर द रेटिनल डेटा करेंटली स्टोर्ड और द एंटायर ह्यूमन जीनोम्स दैट मे इवेंचुअली बी स्टोर्ड देयर, अ ब्रीच इन द आधार डेटा स्टोर विल डिस्पर्स. तुम लोग कह रहे थे कि बी के बाद इसको ले आओ सीधे.
तुम उसमें कौन सा डेटा स्टोर हो रहा है, किस टाइप का आगे चल के स्टोर होने वाला है, मॉडिफाई हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये सब तो बाद में बताओगे, पहले इंट्रोडक्शन तो दो कि इसकी बात क्यों करने वाले हो. करेक्ट आंसर क्या होगा? बी एफ ई सी डी ए होगा. दिस इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. मार्क इट अप गाइस. देखो है हमारे पास ओए सेकेंड वाला ही है. ऑसम. बी एफ ई सी डी ए. दिस इज द राइट आंसर. टेक्स टाइम. ठीक है ठीक है. वेरी गुड. समय लगता है बट आप थोड़ा सा ये समझ के चलें कि हमें पॉइंटर्स को कनेक्ट करना होता है ना, तो वो अपने आप धीरे धीरे आ जाता है. शशांक क्लास पे ध्यान दो. चलो हाँ जी थैंक यू. ठीक है अब एक आखिरी सवाल हमारे पास आई थिंक क्लोज टेस्ट का है. देख लेते हैं जल्दी से. एवरी लाइफ एक्सपीरियंस इज डैश टू ईच इंडिविजुअल इज रैशनल इंटरनली एक्सटर्नली. ये तो हटा ही दो. Every life experience is dashed to each individual. मेरे बर्थडे पे मेरा क्या एक्सपीरियंस होता है उससे तुम्हारा क्या लेना देना होगा? कुछ होगा? सोच के दो बता भाई. तबीयत ठीक हो गई बेटा? कितनी बार पूछोगे? बीमार हो जाएंगे बता बता के. हे राम. वेरी गुड रीति, मानसी, नीतू, ठीक है वेरी गुड. सीधी सी बात है बाबा, किसी इंडिविजुअल का क्या एक्सपीरियंस है वो उसके लिए इंटरनल होगा, पर्सनल होगा, उससे आपको क्या लेना देना है. जो आपका एक्सपीरियंस होगा वो आपका होगा. यही तो मैं दुनिया को समझाती हूँ कि डोंट हैव एन ओपिनियन अबाउट व्हाट द अदर पर्सन इज डूइंग. सामने वाला क्या कर रहा है, उसके परिवार में क्या हो रहा है, उसके इंस्टाग्राम पे क्या हो रहा है, उसके ऑफिस में, व्हाट इज योर कंसर्न? क्या लेना देना? चुगली बहुत करते हैं लोग. इट्स पीपल्स इंटरनल मैटर. नहीं तो बिल्कुल ठीक जवाब दिया आप लोगों ने. ऑप्शन नंबर डी. रैशनल का मतलब होता है लॉजिकल. ठीक है हटा दो. आगे देखो. फिर कह रहे हैं द ऑब्जेक्ट्स स्टिमुलाई वी एक्सपीरियंस मे बी इनिशिएटेड फ्रॉम द आउटसाइड. यानी कि जो चीजें हम महसूस करते हैं एक्सपीरियंस करते हैं हो सकता है कि वो बाहर से कॉज्ड हो, दे आर ट्रिगर्ड फ्रॉम आउटसाइड, बट द एक्सपीरियंस टेक्स प्लेस इन आवर माइंड. और जो भी हमारा अनुभव होता है वो हमारे दिमाग में खुद मतलब अकर करता है. इट हैपेंस इन आवर माइंड राइट एंड आवर बॉडी. द स्टेट ऑफ योगा इज ऑल्सो एन एक्सपीरियंस बट इट इज अनलाइक अदर कॉमन एक्सपीरियंसेस. योगा जो होता है उसके बारे में बात हो रही है, कह रहे हैं वो भी एक एक्सपीरियंस है बट वो बाकी कॉमन एक्सपीरियंसेस जैसा नहीं है. योगा इज द इंटरनल डैश ऑफ सिंपली बीइंग अ स्टेट ऑफ इनर ट्रैंक्विलिटी और पीस. ओके योगा इज द इंटरनल. Oh, we got the answer. It's pretty easy. Yoga is the internal dash of simply being. Yoga is the is present की बात कर रहा है. The internal experienced of, witnessed of. Witness कौन होता है? एक गवाह होता है जिसका यहाँ कोई लेना देना नहीं है. हटा दीजिए. So it is an experience of simply being, a state of inner tranquility, peace की बात कर रहे हैं यहाँ पर. The correct answer is option number B. Pretty easy. You guys are also doing very well, by the way. आगे देखते हैं. Lasting tranquility or calmness of mind cannot be dashed only by changing the external circumstances of our lives. क्या कह रहे हैं कि अगर तुम एक lasting यानी कि लंबे समय तक के लिए शांति और peace चाहते हो तो वो खाली बाहरी चीजों को control करके कि हाँ घर सही है, ऑफिस सही है, दोस्त सही है, इससे नई चीजें ठीक हो जाती हैं. दैट्स व्हाट दे आर सेइंग हियर. एटलीस्ट लास्टिंग ट्रैंक्विलिटी और कामनेस ऑफ माइंड कैन नॉट बी डैश, कैन नॉट बी गॉन, रीच्ड, गो, वेंट. कैन नॉट बी गो, कैन नॉट बी गॉन, कैन नॉट बी वेंट, कैन नॉट बी रीच्ड, अचीव्ड, अकम्प्लिश्ड. उस तक नहीं पहुंचा जा सकता सिर्फ बाहरी सर्कमस्टांसेस को बदल करके. तो बहुत ही बेहतरीन आंसर, बहुत ही लवली स्पीड. अगला जल्दी जल्दी करो, खत्म करो. I know Angel. I think English classes में कोई sound का issue नहीं है but in the other sessions there are. But वो कल से sort हो जाएगा, पक्का promise. मेरा वाला तो वैसे ही सही चल रहा है, बाकी भी ठीक हो जाएगा. तुम लोग आओ यार. foundation batch is very solid and trust me it's like a 3 months program for you to learn everything from the very basic. बिल्कुल chill करके पढ़ाई करनी है, कोई डांट मार पीट नहीं.
जी आज ये पहली क्लास है, कल दूसरी क्लास होगी कॉमन सेंस। अच्छा, इनर ट्रैंक्विलिटी लाइज, ट्रैंक्विलिटी समझ गए ना, पीस, ठीक है। इनर ट्रैंक्विलिटी लाइज इन बीइंग अनडिस्टर्ब्ड डिस्पाइट एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस। ये बहुत बड़ी चीज होती है यार, मेरे को भी करना है, वो अचीव दिस। मतलब बाहर क्या हो रहा है, आउट ऑफ यू क्या चल रहा है, लड़ाई झगड़ा बहस प्रमोशन डिमोशन क्या चल रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इंटरनली वी शुड फील एट पीस, दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर। इनर ट्रैंक्विलिटी लाइज इन बीइंग अनडिस्टर्ब्ड अनपर्टर्ब्ड, हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए व्हाट इज गोइंग ऑन द आउटसाइड। देयरफॉर द रोल ऑफ एक्सटर्नल सिचुएशंस इन ब्रिंगिंग ट्रैंक्विलिटी टू द माइंड इज एट बेस्ट डैश इफ थिंग्स दैट डिस्टर्ब अस आर रिमूव्ड, वी आर टेम्पररली मोर एट पीस। ओके, कह रहे हैं देयरफॉर द रोल ऑफ एक्सटर्नल सिचुएशन इन ब्रिंगिंग ट्रैंक्विलिटी टू द माइंड इज एट बेस्ट टेम्पररली इफ थिंग्स वर्चुअली कॉन्सनेंट ट्रांजिएंट, थोड़ा ये हो सकता है। हाँ शबाज, लेट हो गए आप। बाबा यार 7 बजे डॉट क्लास शुरू की थी, 50 मिनट की क्लास खत्म हो गई। अगर तुम ये कह रहे हो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो तुमने अपने 50 मिनट वेस्ट किए। थिंक अबाउट योर सेल्फ, कुछ और पढ़ो, कहीं और पढ़ो, जहां ना समझ में आए, जहां मन ना लगे बिल्कुल नहीं बैठो, खासकर कमेंट करके बताने के लिए तो बिल्कुल नहीं। वेरी गुड आंसर्स। अरे वॉट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कॉन्सोनेंट, वॉवल कॉन्सोनेंट, वॉवल कॉन्सोनेंट है। ये सब तो हटाई दो, एडवर्ब है, वर्ब के लिए यूज होता है, यू नीड अ कॉम्प्लीमेंट हियर। यहां पर एक तुमको वो चाहिए था ना, इंफॉर्मेशन चाहिए था, है ना। सब्जेक्ट के बारे में बिल्कुल, मैं भी जाने से पहले तुम लोग के साथ एक बहुत सॉलिड चीज शेयर करूंगी। आई ओनली गॉट टू नो इट प्रॉब्ली 2 days ago, बट शेयर करूंगी गाइस, सो डू वॉच इट। अच्छा आगे देखते हैं, यहाँ पर क्या बता रहे थे। हाँ, ट्रांजिएंट का क्या मतलब होता है, एनीथिंग विच इज इम्परमानेंट, एनीथिंग विच डजंट लास्ट फॉर टू लॉन्ग, बहुत ज्यादा समय तक रुकता नहीं है। क्या बोल रहे हैं ये, देयरफॉर द रोल ऑफ एक्सटर्नल सिचुएशंस इन ब्रिंगिंग ट्रैंक्विलिटी टू द माइंड इज एट बेस्ट ट्रांजिएंट इफ थिंग्स दैट डिस्टर्ब आर रिमूव्ड वी आर टेम्पररली मोर एट पीस। वो क्या है, वो टेम्पररी चीजें हैं, क्षणभंगुर, मतलब आई गई चली गई, दे आर नॉट परमानेंट। सो दिस थिंग, ये जो बाहर का एक्सटर्नल सिचुएशन है, वो क्या है हमारे लिए, इम्परमानेंट है, और वो हमें समझना पड़ेगा। जब तुम लोग पढ़ाई लिखाई करने बैठते हो, तो भी अपने आप को एक ऐसी जगह पर रखो कि क्या हो रहा है बाहर, दैट शुडंट इंपैक्ट यू। चलो आगे क्या कह रहे हैं। बट व्हेन सर्कमस्टेंसेस चेंज, सो विल आवर माइंड एंड वी विल सून फाइंड आवरसेल्व्स डैश वंस मोर। अब ये देखो क्या कह रहे हैं, देयरफॉर द रोल ऑफ एक्सटर्नल सिचुएशंस ट्रांजिएंट If things that disturb us are removed, we are temporarily more at peace. तो जो बाहरी चीजों से impact होने लगता है, जो बाहरी circumstances से impact होने लगता है, तो फिर अगर वो बाहर का disturbance हटा, तो आप थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं। लेकिन अगर वो चीजें हटेंगी, तो आप वापस से क्या हो जाएंगे, वापस से आप क्या हो जाएंगे, disturbed हो जाएंगे, है ना। बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। तो वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, डिस्टर्बेंस, डिसऑर्डरली और डिसऑर्गेनाइजेशन नहीं हो जाएंगे। अच्छा कुछ इंपॉर्टेंट बताने से पहले, ये वाला फाउंडेशन बैच है, ट्रस्ट मी गाइस, इट विल बी अ ग्रेट एक्सपीरियंस। मतलब अब बहुत ज्यादा जस्टिफाई करने का मन नहीं करता, बहुत बच्चों का फेथ है, बहुत ज्यादा उम्मीद है हम लोगों को खुद से भी। वी आर गोइंग टू पुट आवर बेस्ट फुट। तुम लोग तो एग्जाम वाले दिन परफॉर्म करते हो ना, हम लोग ये 3 महीने, 3.5 महीने परफॉर्म करेंगे, फिर देखेंगे कि क्या रिजल्ट आता है। तो ये हम लोगों का एक तरीके से आपके सामने एग्जाम होता है। वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट एंड बी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। इसको परचेज करना है तो adda247.com पर जाइए, adda247 की ऐप पर जाइए और जाकर के इसको सर्च करिए। नाम क्या है, बैंक फाउंडेशन, और आप इसमें कोड लगा सकते हैं Y169 का मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। दोस्तों जिन लोगों को कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करना है, आप लोगों का स्पोकन इंग्लिश का क्लास भी जो बस शुरू होने वाला है 25 तारीख से, तो आप उससे भी परचेज कर सकते हैं। यही कोड लगाने से आपको वो भी मिल जाएगा। बैंक महापैक ले लोगे तो फिर टेस्ट सीरीज, ये स्पोकन सब मिलेगा। अब एक बात बोली थी ना मैं तुम लोग को बताऊंगी, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात। सो बेसिकली जब हम बीमार थे, तो आई वाज जस्ट सिटिंग एंड चिलिंग, करना क्या था, सबने बोला रेस्ट करो, जितना रेस्ट करोगी ठीक हो जाओगी जल्दी। हमने कहा ठीक है, तो फिर भाई अपना नेटफ्लिक्स इंस्टाग्राम ये सब कर रहे थे। अब हाँ सो ऐसे आई वाज जस्ट स्क्रॉलिंग थ्रू सम वीडियोस, तो एक बंदी आई, वो रील्स नहीं बनाते हैं, उसने बोला कि
हमें कोई चीज जो बुरी लगती है वो किसी के शब्द नहीं होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ आकर बहुत सारे लोग मुझे बहुत कुछ बोलते हैं, अड्डा को बोलते हैं, दूसरे बच्चों को बोलते हैं. तो शी टोल्ड और शी सेड दैट इट इज नॉट व्हाट अदर्स आर सेइंग. बाहर वाला बंदा क्या कह रहा है उसके शब्द से फर्क नहीं पड़ता है. तुम इंटरनली, मतलब तुम खुद उस चीज को लेकर के कितने इनसिक्योर हो, इससे फर्क पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मुझे आकर के बोलेगा अरे तुम बहुत घमंडी हो, she is very arrogant, मैं उस बात को हंसी में टाल दूंगी, वो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, because I understand कि मैं घमंडी नहीं हूं, मैं sorted हूं, मुझे ये बात मालूम है. लेकिन अगर कभी भी कोई आकर ये कहता है कि मैम आप बहुत बोलती हैं, मुझे वो बात बुरी लग जाएगी. पूछो क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मैं ये बात खुद जानती हूं कि मैं ज्यादा बोलती हूं. गेटिंग माई पॉइंट? अभी अगर मैं आज तुम लोगों को बोलूं कि तुम लोग कंजूस हो तो तुम्हें ये बात बुरी नहीं लगेगी. लेकिन अगर तुम कंजूस हुए, अगर तुम एक्चुअली दूसरों के पैसे खर्च कराने की आड़ में रहते हो, तो तुम्हें वो बात बुरी लग जाएगी. गेटिंग द पॉइंट? सो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज द पावर लाइज विद इन यू. सामने वाला क्या कह रहा है वो तुम्हें तब तक बुरा नहीं लगेगा जब तक कि तुम उस चीज को लेकर के इनसिक्योर नहीं हो. सो लव योर सेल्फ, लाइक योर सेल्फ द वे यू आर. मत सोचो कि तुम्हारे अंदर कोई कमी है. तुम्हारे अब मुझे कोई कहेगा कि यार तुम ज्यादा बोलती हो, आई विल एक्सेप्ट इट कि हाँ बोलते तो हैं, इसमें तो कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल बोलते हैं, है ना. और बोलना मेरा काम है भाई, हम यहाँ आके बोर्ड के सामने ऐसे खड़े हो जाएंगे तो अच्छा भी नहीं लगेगा, तो इसलिए अब हमने कहा है कि हमको कुछ बुराई नहीं लगेगा, ठीक है. लेकिन जो स्पैम करेंगे वो हमको बुरा लगेगा. बहरहाल तुम लोगों से मिलके यार सच में, जब देखो मैं बीमार होके या छुट्टी के बाद आती हूँ तो एक दो दिन में बहुत अच्छे से पढ़ाती हूँ ना, मतलब डांटती नहीं हो तुम लोग को. दैट्स ओनली बिकॉज मुझे एक्चुअली याद आती है तुम लोग की. और वो स्टेटमेंट है ना, हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, बहुत अच्छा लगता है ये बोल करके. और जब तुम लोग की स्माइल और तुम लोग से प्यारे प्यारे कॉमेंट्स करते हो तो आई फील रियली थैंकफुल टू गॉड एंड ग्रेटफुल फॉर सच अ लाइफ. एंड जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए. इस बैच में आपका इंतजार रहेगा. यहाँ पर डेली क्लास हो रही है. सही, मतलब होता नहीं है कि कुछ लोग अपना योगा रिट्रीट पे चले जाते हैं 14 दिन की 15 दिन की, तो तुम कुछ वैसा ही समझ के आ जाओ. इट्स गोना बी थेरेप्यूटिक. एज आई सेड, सब शांति से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, विद वन सिंगल नेम कि इस बार हमको सक्सेस चाहिए, ठीक है. गॉड ब्लेस यू गाइज, थैंक यू सो मच, आई विल सी यू टुमारो. अभी सौरभ सर की क्लास है, आने वाले हैं, जाना मत. बाय गाइज.